हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज़ मैजिशियन एडी। लौट आया अपने नए एपिसोड के साथ और आज के व्लॉग में कुछ खास होने वाला है, तो आप देखना किस तरीके से एक अंकल आए और किस तरीके से रॉन्ग साइड गए और हम लोग एक्सीडेंट होते होते हुए बचा। तो आप अगर ऐसे स्थिति में होते तो आप क्या करते वो कमेंट करके बताओ, और अगर आपके साथ ये सेम चीज़ होती तो आपका क्या क्या रिएक्शन होता उस चीज़ पर वो मैं जानना चाहता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ और फ़क्र से बोलो आई एम मैड। तो मिलता हूँ आपसे, जब तक व्लॉग देख के आओ। हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी। लौट आया अपने नए एपिसोड के साथ, और कैसे हो आप लोग ये बताओ सबसे पहले तो मुझे। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपनी जो पैंट अपन ने टाई की करने के लिए दी थी जीन्स, उसे वापस लेने। और आज कुछ नई चीज़ भी सोची है मैंने, एक्सपेरिमेंट एक टाइप का, देखते हैं अगर वो सक्सेसफुल रहा तो आप लोगों को काफ़ी नए ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे जल्दी। और फिलहाल अपन जा रहे हैं 10 नंबर और देखते हैं आज का माहौल क्या होता है। ये क्या रॉन्ग साइड से आए, ये मतलब लिटरली कई लोग तो ऐसे बेवकूफ होते हैं भाई, लेफ्ट ले ली एकदम गाड़ी बिना इंडिकेटर के और कहाँ रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, वहाँ तो कुछ वो भी नहीं है लिटरली। फिर ऐसे में मूड खराब हो जाता है कि ये क्या लोग हैं यार ये। खैर अपनी बाइक इतनी अच्छी है, बचा लिया उसने अपन को, बट यार ये तो गलत है ना, आप कहाँ से रॉन्ग साइड आ रहे हो, इधर से रॉन्ग साइड आ रहे हैं, वो लिटरली कार लेके रॉन्ग साइड इज लाइक वर्स्ट थिंग। मतलब इतना गुस्सा आता है ऐसे में कि यार ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। और अगर यही यही चीज़ यूज़ करें ना तो अंकल लोगों को लगता है कि अरे ये यूथ तो बिगड़ा हुआ है, और अंकल खुद करें तो वो सही है, और ऊपर से वो उनको मैंने जब आई कॉन्टेक्ट हुआ तो ऊपर से घूर के देख रहे हैं, ऐसे पर अपनी गलती हो। अपन तो अपनी 60-70 की स्पीड में चल रहे थे, एक तो रॉन्ग साइड आ रहे हैं ऊपर से तेज़ बिना इंडिकेटर, क्या मतलब क्या बोलोगे आप उनको। लिटरली ज़रा सी दूर पे यहाँ पे टर्न के पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट यू टर्न के लिए। मुंबई तो है नहीं कि यहाँ पे 2-3 किलोमीटर तक कुछ टर्निंग पॉइंट नहीं है, फिर भी जब ये चीज़ होती है तो इतना गुस्सा आता है ये चीज़ देख के कि यार ये क्या है ये लोग। पूरा पता है अच्छे मूड से निकलो पूरा मूड ख़राब हो जाता है ऐसे कुछ चंद लोगों के कारण। पता नहीं रोड को खुद की पिताजी की जागीर समझते हैं कि क्या है, फिर ऐसी चीज़ें देख के इतना बुरा लगता है ना यार कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग। खैर जाने देते हैं छोड़ो, स्ट्रीट इज फिल्ड विद इडियट्स, गेट अ गुड टायर इन योर मोटरसाइकिल बिकॉज कुछ नहीं हो सकता लोगों का, तुम्हें ही तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखना है भाई। टायर्स बहुत ज़रूरी है अच्छे होना, ग्रिप बना के चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रोड से ग्रिप बना के चले। तो यहाँ पे आगे चेकिंग चल रही है और ये सब लोग जुगाड़ लगा रहे हैं, हेलमेट वेलमेट पहन रहे हैं, क्या करेंगे। ये अंकल लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये देखो चेकिंग तेज चल रही है। काफ़ी सारे लोग खड़े हैं भाई, हेलमेट पहन लो ना यार, हेलमेट खुद की सेफ्टी के लिए होता है, इंसान समझता ही नहीं है। मतलब क्या कब तक समझाएगी सरकार ये बताओ। और विपक्ष पूछता है, जो भी विपक्ष है, कोई भी, मैं ऐसे ब्लेम नहीं कर रहा, कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा, जस्ट बोल रहा हूँ कि विपक्ष पूछता है कि भैया सरकार समझाने के लिए कर क्या रही है कोरोना से लोगों को। सरकार तो सिर्फ समझा सकती है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सबसे दूर रहो, मास्क पहनो। अब जनता ही मास्क नहीं पहन रही तो कोई क्या करेगा, तो कांग्रेस क्या करे और बीजेपी क्या करे। बात तो यही है ना यार, लोग मास्क नहीं पहन रहे, हेलमेट नहीं पहनते, इतना सरकार बोल रही है, चालान लगा रही है, लोग फाइन देने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन हेलमेट फिर भी नहीं पहनना है। देखो ये अंकल क्या जोड़ी दोस्ती की, एक नंबर जोड़ी लेके घूम रहे हैं और मास्क दोनों ने नहीं पहना यार। एक चीज़ लोग क्यों नहीं समझ रहे कि कोरोना का संक्रमण
एटमॉस्फेयर में रहता है, हवा में रहता है, दिखेगा नहीं। अगर कोई छींक के निकल गया तो वहाँ आधे घंटे तक, मिनिमम आधे घंटे तक वहाँ संक्रमण रहने की संभावना रहती है। अगर कोई कोरोना पेशेंट रोड से निकला है तो भी वो संक्रमण आपको लग सकता है। तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। लोग समझ ही नहीं रहे हैं, लोग बिल्कुल मजाक में ले रहे हैं कोरोना को। ये आगे वाले भाई मास्क पहने देखो कार में, लेकिन ये इन्होंने हेडफोन लगा के रखे हैं कार में, ऐसा कौन करता है भाई। कल आए थे हम लोग तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी तो शाहपुरा पे बैठ ही नहीं पाए थोड़ी देर भी। आज कुछ नया प्लान लेके चल रहा हूँ मैं, देखते हैं कि वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं। ब्लॉगिंग का कुछ नई चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। तो भाई अपन पहुँच गए 10 नंबर बिट्टन मार्केट, 10 नंबर पहुँचने वाले हैं, बस बिट्टन मार्केट पहुँच गए। यहाँ चौराहे से राइट लेके 10 नंबर आ जाएगा और अब अपन अंकल के घर, अंकल की शॉप से वापस अपनी जीन्स ले लेते हैं। फिर उसके बाद आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि रिप कैसे करना है जीन्स को। आप अपने घर पे बहुत इजीली कर सकते हो, हार्डली आपको लाइक 10 to 15 मिनट्स लगेगा अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे तो। मतलब मुझे अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिप करने में जीन्स। फिर डिपेंड करता है आपको कितने पैचेस रखना है। मिनिमम एक पैच अगर आप रख रहे हो तो 10 से 15 मिनट में आप एक पैच तैयार कर सकते हो। सूखी नहीं क्या? सूख गई? सूख गई? ओके, थोड़ी बहुत गीली है। कमर रह गया। ओके ओके, हाँ बाकी तो सूख गए। एक बार दिखाओगे कैसा है कलर? बस थोड़ा स्कूल की पैंट टाइप की लग रही है, लेकिन उसको जब अपन फाड़ वाड़ देंगे या कुछ कर देंगे तो अच्छी लगने लगेगी। थैंक यू भैया। अपना काम पूरा, अब आपसे मिलते हैं डायरेक्टली घर पे, तो स्टे ट्यून्ड। सो आई एम बैक और फिलहाल आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी। शुरू में जो हुआ कि एक अंकल रॉन्ग साइड से आए और वो सारी चीज़ हुई जिससे मेरा मूड ख़राब हो गया था थोड़ा बहुत, फिर मूड ठीक हुआ। बट ये है कि अगर सेम सिचुएशन में आप होते तो आप क्या करते, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करो जैसा कि मैंने पहले बोला था। और दूसरी चीज़ ये कि जीन्स का पूरा काम हो चुका है, अब घर जाके रिप करूंगा उसे। कल आप लोगों के लिए एक व्लॉग अपलोड करूंगा जिसमें आप लोग जीन्स रिप कैसे करना है वो देख पाओगे। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मैजिशियन एडी साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आप सभी से अगले व्लॉग में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन हिट कर दें एंड मैजिशियन एडी को ऐसे ही सपोर्ट करें, क्योंकि 90,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर बचे हैं, उसके बाद हम लोग 1 लाख हिट करेंगे। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइज सेम वे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।